नमस्कार दोस्तों, जीने साइंस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी अभी हमने जो आज का हमारा जो क्वेश्चन पेपर था उसके बारे में हमने डिस्कस किया है, लेकिन अभी हम हमारा जो परसों 18 तारीख को जो पेपर है, जो एग्ज़ाम है साइंस सेकंड के ऊपर जो हमें एग्ज़ाम देनी है, उस बारे में, यानी कि पेपर नंबर सेकंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पेपर नंबर सेकंड विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, पेपर नंबर 2 यावर जे काही महत्त्वाचे पॉइंट्स तुम्हाला विचारले जातील, ज्यांच्यावर परीक्षेमध्ये प्रश्न विचारले जातील, त्या संदर्भातले काही महत्त्वाचे पॉइंट्स आपण इथं पाहत आहोत। जसं की या अगोदर जे काही लाईव्ह सेशन मी घेतलं होतं त्या लाईव्ह सेशन खूप महत्त्वाचं झालं, कारण का बरेच पॉइंट परीक्षेमध्ये विचारले गेले आणि एक दिशा जी दिली होती त्या दिशेचा खूप फायदा झाला। बहुत सारे बच्चों बोल रहे थे कि सर बहुत आपने बहुत अच्छी तरह से पॉइंट वगैरह एक्सप्लेन किए थे, इसका फ़ायदा हमें बहुत हुआ। ओके, इम्पॉर्टेंट फिगर्स, अनोली भोकरे, हाय सर, आई एम दर्शन भोकरे। ओके दर्शन भोकरे, त्यानंतर त्र्यंबक शिंदे, इम्पॉर्टंट फिगर्स। चला, जे कोणी लाईव आहेत सध्याला नाही त्यांनी लागलीच कॉमेंट करा, पटापटापटा लागलीच कॉमेंट करा आणि सर्वांपर्यंत लिंक पोहोचवा आणि सर लाईव आहेत ही सर्वांना सांगा, जेणेकरून की सब बच्चे इसका फायदा ले सके, सब बच्चे का फायदा हो सके, इसलिए हम ये थोड़ा सा लाईव सेशन ले रहे हैं। ओके चलो, जो भी कुछ बच्चे हैं जल्दी जल्दी आ जाइए। चलो अभी तो 30 थे बच्चे, अभी तो कम दिख रहे हैं हमें लाइव सेशन में। चलो, तो हेरिडिटरी चेंजेस, इसके ऊपर एग्जाम में जो हमारा जो अभी जो हम चैप्टर देख रहे हैं, जो फर्स्ट नंबर का चैप्टर है हमारा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के ऊपर कुछ थ्योरी पूछी जाती है। प्रमोद रांझणे, हाय सर, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, वही दे रहा हूँ तो अपने दोस्तों तक, दोस्तों का। हाँ, ये जो डेफिनेशंस है ये डेफिनेशंस बहुत बार पूछे गए हैं, डेफिनेशंस, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन, इसके ऊपर इसके डेफिनेशंस पूछे जाते हैं, गए साल भी पूछे गए थे। तो एक डायग्राम इसके ऊपर, ये जो है जो अभी हम यहाँ देख रहे हैं जो डायग्राम है, ये जो डायग्राम अभी हम यहाँ देख रहे हैं ये डायग्राम आपको एग्जाम में दी जाएगी और इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, नहीं तो इसके ऊपर जो है बीट है, ये जो पॉइंट है इसे ऐसा पॉइंट आउट करके ये नाम आपको पूछा जाएगा, ये नाम क्या है, ऐसा RNA DNA का भी आपको नाम पूछा जाएगा, इसलिए ये ऐसे छोटे मोटे जो डायग्राम से ये आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद हम देखते हैं इवोल्यूशन का जो बीट है, इवोल्यूशन का थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, अम्यूबा वगैरह थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, हाँ मॉर्फोलॉजिकल जो इविडेंसेस है, तो इविडेंसेस के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत बार पूछे गए इविडेंसेस क्या क्या है, इविडेंसेस आपको पूछे जाएंगे। तो एनाटॉमिकल एनाटॉमिकल इविडेंसेस है, ये ऐसा ये फिगर दी जाएगी, तो इसके ऊपर आपको इसमें जो सिमिलैरिटीज़ है सिमिलैरिटीज़ पूछी जाएंगी, नहीं तो आपको ये ऐसी एक डायग्राम दी जाएगी और डायग्राम के ऊपर आपको ऐसा ये जो नीचे के दिए गए नाम है ये नाम पूछे जाएंगे, नहीं तो ये कौन सा इविडेंस है, इविडेंस कौन सा है, यानी कि इवोल्यूशन का इविडेंस कौन सा है ये पूछे जा सकता है। उसके बाद ये इसका नाम देने के लिए भी आपको पूछा जाएगा, ये नाम ऐसा, ये अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स का नाम। ओके, यानी कि एक आर्कोलॉजिकल पैरेंटोलॉजिकल इविडेंसेस, आर्कोलॉजिकल इविडेंसेस ये भी आपको पूछे जाएंगे, थोड़ा सा ये इविडेंसेस थोड़ा सा स्पेशली करो। ये जो है, ये जो डायग्राम है हमारी, अभी जो आप डायग्राम देख रहे हैं, ये जो डायग्राम है ऐसी ये डायग्राम दी जा सकती है। ओके, इसके ऊपर और डायग्राम देने के बाद इसके नाम वगैरह पूछे जाएंगे, नहीं तो एक
हाँ, और ये भी डायग्राम जैसे कि आज के पेपर में आपको डायग्राम दी गई थी, आज के पेपर में मेटलर्जी की डायग्राम आपको दी गई थी इसके ऊपर। ओके, अभी कौन कौन है लाइव? प्रमोदरा ने, सुरेश पाटिल है, गुरुनाथ डोंगरे है, थैंक्स आम्हाला इम्पोर्टर देण्यासाठी, प्रतीक्षा, प्रतीका, प्रतीक खोब्रागडे, प्रमोद ना निमजे, सुरेश पाटील, गुरुनाथ डोंगरे, सुरेश पाटील, मानवी उत्क्रांती कशी झाली याविषयी माहिती द्या। प्रशांत डिगोळे, गुड इवनिंग सर, प्रशांत डिगोळे। हाँ भांजे, क्या कर रहे हो अभी अब तो? ओके, त्यानंतर पद्मराज शिंदे गुरुवर्य, उद्या मराठी मधून प्लीज। ओके, मराठीचं सुद्धा ठीक आहे, मराठी मीडियमचं तुम्हाला दिलं जाईल। आता इथे जर द्यायचं म्हटलं तर दोन्ही आहे, पण मराठी मीडियमचं उद्या सकाळी सकाळी घेऊया, ठीक आहे? कारण का आता इथं इंग्लिश मीडियमचं हे माहिती देतो, ही डायग्राम दिली जाईल, ही सुद्धा डायग्राम थोडीशी स्पेशली पहा। त्यानंतर डार्विन्स थेरी, नॅचरल सिलेक्शन, डार्विन्स थेरीचं नॅचरल सिलेक्शन थेरी दिली जाईल, किंवा यावर एक पॅरेग्राफ दिला जाईल मित्रांनो, आणि या पॅरेग्राफच्या आधारे तुम्हाला उत्तरं द्यावी लागतील। त्यानंतर पुढं आहे सौरभ कुलकर्णी, थँक्स। त्यानंतर पद्मराज शिंदे, सौरभ कुलकर्णी, राहुल धोटे, त्यानंतर सुभाष अग्रवाल, प्रशांत डिगोळे, जस्ट वॉचिंग। ओके, प्रशांत डिगोळे जी, भांजे, ठीक आहे, कोल्हापूरहून आपण व्हिडिओ पाहताय, धन्यवाद। ओके, त्यानंतर डार्विन्स थेरी तुम्हाला यावर पॅरेग्राफ विचारला जाईल, यावर तुम्हाला उत्तर देता येईल। त्यानंतर लॅमार्किझम, किंवा एखादी पॉईंट दिला जाईल आणि त्या पॉईंटमधून ही कोणाची थेरी आहे ते असं तुम्हाला विचारलं जाईल। ओके, किंवा ही जे इथं जे डायग्राम दिलेली आहे, ही जे फिगर आहे, ही फिगर कोणत्या थेरीवर आधारित आहे असा प्रश्न तुम्हाला विचारला जाईल। ही फिगर जशास तशी उतरून तुम्हाला तिथं दिली जाईल आणि कोणत्यावर आधारित आहे, तर लॅमार्क यूज अँड डिस्यूज थेरी संदर्भात इथं तुम्हाला विचारलं जाईल। त्यानंतर ह्युमन इव्होल्यूशन, ओके, ह्युमन इव्होल्यूशन, तर या संदर्भात सुद्धा ही सुद्धा डायग्राम तुम्हाला अशा प्रकारची डायग्राम थोडीशी पाहू शकता। म्हणजे यावरून जरी छोट्या असल्या तरी एक लक्षात घ्या, जसं तुम्हाला सायन्स फर्स्ट पेपरमध्ये खूप कमी फिगर होत्या, खूप कमी डायग्राम होत्या, पण आता इथे मात्र तुम्हाला खूप जास्त डायग्राम असतील फिगर मग, म्हणजे तुमच्या क्वेश्चन पेपरमध्ये बहुत सारे डायग्राम रहेंगे, बहुत सारे फोटोज रहेंगे, बहुत सारे पिक्चर्स रहेंगे, और वो पिक्चर के आधार पर आपको वो कौन से क्लास में आता है, यानी कि उसका नाम क्या है, उसका हैबिटेट क्या है, यानी कि कुछ क्लासिफिकेशन क्या है, ऐसा कुछ जनरल क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। इसलिए ये आपको थोड़े से ज़्यादा थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, स्पेशली करना पड़ेगा। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट चैप्टर अभी खोबरा गड़े, त्यानंतर प्रशांत डिगोळे, सौरभ कुलकर्णी, ओके, प्रतीक खोब्रागडे, स्वाग भोंबरे, मराठी मीडियममध्ये नाही का? मराठी मीडियम दोन्ही तुलना करून तुम्ही इकडे तिकडे घेऊ शकता, पण यानंतर मात्र संध्याकाळी 10 वाजता, 1:10 वाजता तुम्हाला मराठीमधून एक्सप्लेनेशन देईल, मराठीमधून। त्यानंतर प्रतीक खोब्रागडे, मराठीमधून द्या, ओके, देतो आहे मी, नाही का म्हणते, मिळेल मिळेल, मराठीमधून सुद्धा त्याचा व्हिडिओ मी सेपरेट टाकेन। उद्या उदय खैरनार, हॅलो सर, सुरेश पाटील, उद्या सकाळी किती वाजता व्हिडिओ घेणार सर मराठी मीडियमचा? उद्या सकाळी नाही, रात्री 10च्या आसपास घेईन, रात्री 10लाच, कारण का उद्या सकाळी घेऊन उपयोग नाही, तर तुम्हाला आत्ताच जर घेतला तर त्याचा बेनिफिट तरी होईल। ओके, तर हा जो पॉईंट आपण नेक्स्ट, तर नेक्स्ट जो है लाईव प्रोसेसेस, ओके, तो लाईव प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गॅनिझम्स पार्ट फर्स्ट, इसके ऊपर थोड़ेसे फिगर डायग्राम, जो फोटोज है, छोटे छोटे फोटोज है, इसके ऊपर बहुत सवार थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस, ट्राइकार्बोक्सिलिक, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन, ये थोड़ा सा फिगर, ये फिगर आपको दी जाएगी और इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन आपको पूछा जाएगा। ओके, इसके बाद देखते हैं ये जो है, ये भी थोड़ा सा स्पेशली बना के रखो, ये भी इसके ऊपर भी। ओके, ये ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस है दोस्तों, तो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस इसमें आपको ग्लूकोज जो है
तो लिपिड वगैरह ये दोनों भी आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर करने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा एक्टिविटी शीट जैसा दिया जाएगा, क्योंकि ये टोटल दिया जाएगा, इसमें से कुछ पॉइंट ओमिट किए जाएंगे। समझो ये है अल्कोहल है, ये फर्मेंटेशन है, पायरुविक एसिड है, ऐसे कुछ तो पॉइंट इसमें से ब्लैंक रखा जाएगा, और इसमें से आपको नाम देने के लिए, नाम लिखने के लिए आपको कहा जाएगा। ये प्रोटीन्स लिपिड्स वगैरह ये यहाँ भी ऐसे ही है, एसीटोल एसीटिल को एंजाइम क्रेब साइकिल ये है नीचे का, ये ऐसे थोड़ा सा ब्लैंक रख के आपको लिखने के लिए दिया जाएगा, यानी कि फिलिंग द ब्लैंक जैसा किया जाएगा। ओके, नहीं तो ये जो ए बी सी डी जैसा अभी देखा है ना आपने राइट हैंड का फर्स्ट पेपर में, उसी तरह से ए बी सी डी ऐसा लिखा जाएगा, और ए के जगह क्या रहेगा, बी के जगह क्या रहेगा, सी के जगह क्या रहेगा, ऐसा आपको पूछा जाएगा। इसके बाद ये जो है, ये भी जो डायग्राम दिया है, ये जो प्रोटीन्स एंड डिफरेंट अमीनो एसिड्स ऑप्टेन, ये जो ट्री डायग्राम है, फ्लो चार्ट है, ये फ्लो चार्ट भी आपको करना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं सेल डिवीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। ओके, ये यहाँ आपको डायग्राम दी गई है, फिगर दी गई है, तो इसका जो ब्लैंक है, ये ब्लैंक लिखने के लिए कहा जाएगा क्रोमोसोम का। उसके बाद क्रोमोसोम्स मेटाफेज एनाफेज ब्रेकिंग, इसका जो है ये भी आपको पूछा जाएगा, ये डायग्राम दी जाएगी ये ऐसी। ओके, इसके ऊपर छोटे छोटे डायग्राम बहुत बार पूछे जाएंगे, इसका ये जो है प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज, टेलोफेज, ए जैसा इसके ऊपर। इसके बाद देखते हैं ये ऐसा सेल डिवीजन का, ये प्रोफेज फर्स्ट सेकेंड फेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, ऐसा डिफरेंटली स्टेप्स आपको पूछे जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है, ये थोड़ा सा इसके डायग्राम थोड़े से स्पेशली आपको करने पड़ेंगे। ये देखो ऐसा ये ब्लैंक रखा जाएगा कि, तो नहीं तो यहाँ ब्लैंक तो रखा जाएगा, नहीं तो यहाँ ए बी सी डी ऐसा कुछ तो लिखा जाएगा, और ए के जगह क्या, बी के जगह क्या। सुरेश पाटिल थैंक्स सर, ओके। स्वाग भोमरे तांत वैभव घुले सर, मराठी मीडियम में नहीं है क्या सर? ओके, मराठी मीडियम में भी बता रहा हूँ, लेकिन 10 बजे मराठी मीडियम का लाइव सेशन लेने वाला हूँ। उसके बाद अच्युत पवार पाटिल, पबजी खेलता क्या? अच्युत पवार ठीक है, याद है पबजी? अच्युत पवार अब क्या चालू है ये देखो। ओके, लाइव प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म सेकंड पार्ट, पार्ट सेकंड इसमें। ओके, ये तीनों की फिगर आपको दी जाएगी, तीनों की, और इसमें से कौन सा कौन सी मेथड है ये आपको पूछी जाएगी, यानी कि ये फर्स्ट ये जो प्लांट दिया गया है, ये हेन दी गई है, एक छोटा सा प्लांट है, और ये सेल का डिवीजन दिखाया गया है, तो इसका ये इसके ऊपर आपको एक्सप्लेनेशन पूछा जाएगा। उसके बाद असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके, ये डॉटर वगैरह असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके, इनमें से कौन सा ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन पैरामीशियम का दिया है, तो ये किस तरह का फ्यूजन है वगैरह, ऐसा ये समझो ये डायग्राम आपको दी जाएगी, और ये किस में है और किस तरह का फिजन है ये आपको पूछा जाएगा। ओके, ये भी इस ये डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डायग्राम दी जाएगी, ये भी डायग्राम दी जा सकती है। ओके, और ये भी डायग्राम, ज़्यादा से ज़्यादा ये डायग्राम के बारे में आप देख लीजिए, ये डायग्राम। ओके, अमीबा के बारे में मल्टीपल फिजन का आपको पूछा जाएगा, ये स्पायरोगायरा। ओके, ये छोटे छोटे ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर में आपको छोटे छोटे जो फिगर है, छोटे छोटे जो डायग्राम है, इसके ऊपर थोड़े से ज़्यादा पॉसिबिलिटी क्वेश्चन पूछे जाने की। ओके, इसका नाम पूछा जाएगा आपको, और ये किस तरह का कॉल ब्लॉक करने पड़ेंगे मुझे, कॉल ब्लॉकर मैंने लिया है, कहाँ गया पता नहीं।
झाले 10 मिनिट. उसके बाद नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है. ये फिगर, इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन पूछा जाएगा. ओके, द नेक्स्ट, ये एक फिगर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ये भी आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर करनी पड़ेगी. ये किस तरह का पॉलिनेशन है, ये आपको पूछा जाएगा. ये छोटी सी फिगर दी जाएगी और इसके ऊपर पॉलिनेशन पूछा जाएगा. ये ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये भी आपको करनी पड़ेगी. इसके ऊपर ये डायग्राम दी जाएगी, एक्सप्लेनेशन पूछा जाएगा. ओके, ये आपको फिलिंग द ब्लैंक जैसा एक एक्टिविटी शीट जैसा आपको दिया जाएगा, एक्टिविटी कंप्लीट करने के लिए. ये कौन सा सेक्स क्रोमोसोम है और कैसा है, इसके ऊपर पूछा जाएगा. ओके, ये जो डेवलपमेंट ऑफ बर्थ है, मेनिस्ट्रुअल साइकिल, मेनिस्ट्रुअल साइकिल की ये डायग्राम पूछी जाएगी. ये डायग्राम है मेनिस्ट्रुअल साइकिल की. ये डायग्राम आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर करके रखनी पड़ेगी. इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन और डायग्राम दोनों भी पूछे जा सकते हैं. और ये IVF है, उसके बाद सरोगेसी है, स्पर्म बैंक है. इसके ऊपर छोटे छोटे डेफिनेशंस पूछने की एक पॉसिबिलिटी है. ओके, रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है. पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इसे थोड़ा सा एक डिफरेंट एंगल में इसे प्रिपेयर कीजिए. इसके बाद देखते हैं उपासनी, व्हाट इज फ्यूजन. ओके, वैभव घुले, थैंक यू सर. मराठी मधून सांगा. रवींद्र पाटील सर, डायग्रामला लेबल कोणत्या बाजूला द्यायचे, तशी बाजू वगैरे काही नसते, त्याला कुणीकडे देऊ शकता. सर मराठी मधून सांगा ना. मराठीचा 10 वाजता असेल व्हिडिओ, 10 वाजता लागलीच त्याचा तुम्हाला घेणार आहे. ओके, त्यानंतर हा पुढचा एन्व्हायरमेंटल मॅनेजमेंट, एन्व्हायरमेंटल मॅनेजमेंटमध्ये जीवो जीवस्य जीवनम. ओके, ये इकोसिस्टम आपको कंप्लीट करने के लिए कहा जाएगा. ओके, इसके ऊपर एक दोनों में से कौन सा भी एक पूछा जा सकता है. रिलेशनशिप इकोसिस्टम के बारे में. ओके, इसके ऊपर एक पैराग्राफ दिया जाएगा आपको, पैराग्राफ. और पैराग्राफ में यानी कि तुमचा सेल्फ, जो आपकी जो थिंकिंग है, आपकी पर्सनल रेस्पॉन्स बोलते हैं, जैसे इंग्लिश में पर्सनल रेस्पॉन्स, वैसे आपको यहाँ पूछा जाएगा. इसके ऊपर क्वेश्चन, एक पैराग्राफ दिया जाएगा और पैराग्राफ के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. उसका एक्सप्लेनेशन आपको देना पड़ेगा. एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, आवर सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी. ओके, उसके बाद नेक्स्ट है थोड़े से लॉज वगैरह, एक्ट के वगैरह, एक्ट के बारे में भी पूछा जा सकता है. ये पैराग्राफ आने की पॉसिबिलिटी है. ये पैराग्राफ, ये जो पैराग्राफ आप देख रहे हैं, ये पैराग्राफ आने की पॉसिबिलिटी है. ओके, रविंद्र पाटील सर, डायग्राम लेबल. ओमकार देशमुख सर मराठीमधून ते सांगणार आहे. राहुल धोटे, त्यानंतर ओमकार देशमुख. ओके सर, श्याम माहुरे सर, प्लीज मराठी मीडियम, मराठी मीडियमचा लागलीच होईल थोड्या वेळाने. एन्व्हायरमेंटल कंजर्वेशन, बायोडायव्हर्सिटी. ओके, ये जो है देवराई. ओके, स्केट ग्रोव्स, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाएगा. पैराग्राफ दिए, ये जो है सिंबल, ये सिंबल आइडेंटिफाई करने के लिए आपको कहा जाएगी. ये किसका है, किस बारे में, ये जो सिंबल से, ये सिंबल क्या बताते हैं, ऐसा आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा. ये थोड़े से स्पेशली देख के रखो. ओके, इंटरनेशनल एनवायरमेंट ऑर्गेनाइजेशंस कौन से हैं, और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस कौन से हैं, ये भी नाम वगैरह आपको पूछा जाएगा. ये कंजर्वेशन, माय रोल, इसके ऊपर हॉटस्पॉट्स, बायोडायवर्सिटी, ये जो है हॉटस्पॉट्स, इसके ऊपर इनका नाम पूछा जाएगा आपको.
ओके, इसके बाद हम देखते हैं फिफ्थ नंबर का चैप्टर, ओके, टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, वैजनाथ स्वामी, ओके। त्यानंतर एनर्जी एंड यूजेस ऑफ एनर्जी, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हाँ ये इसका नाम पूछा जाएगा आपको। समझो ये स्टीम टरबाइन है, तो ये डिवाइस कौन सा है इसके बारे में आपको पूछा जा सकता है, ये क्या है इसके ऊपर भी पूछा जा सकता है डायग्राम। ये थोड़ा सा ये चैप्टर डायग्राम के बारे में थोड़ा सा स्पेशली देखो, नहीं तो ये आपको ऐसा लिंक दिया जाएगा और ये दोनों जो जगह है ये ब्लैंक रखी जाएगी, और इसका ए और बी ऐसा कुछ तो आपको, ए के जगह क्या है बी के जगह क्या है ऐसा आपको पूछा जा सकता है, ये कंप्लीट करने के लिए कहा जा सकता है। ये जो लेट्स थिंक, इसके ऊपर स्कीमैटिक ऑफ थर्मल और पावर प्लांट, इनके नाम देने के लिए भी आपको कहा जा सकता है। ओके, पावर प्लांट बेस्ड ऑन न्यूक्लियर एनर्जी, ये थोड़ा सा स्पेशली बनाओ इसका। ये चेन रिएक्शन आपको, न्यूक्लियर फिजन की चेन रिएक्शन पूछी जा सकती है, ये डायग्राम एग्जाम में आ सकता है, इसका नाम पूछा जा सकता है, डायग्राम ड्रॉ करने के लिए स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है, कहा जा सकता है। ओके, ये किस तरह की है, ये किसकी कहाँ इसका एनर्जी, ओके, ये स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, इसके बारे में भी पूछा, ये को कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है ऐसा पूछा जाएगा, कहाँ इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। ओके, ये डायग्राम में क्या बताया है और ये डायग्राम किस कहाँ इस्तेमाल की जाती है ऐसा आपको पूछा जाएगा डायग्राम देखिए, न तो आपको स्केमैटिक एक ड्रॉ भी करने के लिए कहा जा सकता है। ये ऐसा, ये सोलार, ये भी थोड़ा सा स्पेशली बनाओ, ये चैप्टर की जो ये तीन चैप्टर, दो चैप्टर है थोड़े से इम्पोर्टेंट है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं हम, ये ऐसा ये जो चैप्टर हम देख रहे हैं, ओके, एनिमल क्लासिफिकेशन, ओके, कुछ एनिमल्स की फोटो दी जाएगी आपको और इसका क्लासिफिकेशन करने के लिए कहा जाएगा, इसका किंगडम क्या है, इसका फाइलम क्या है, इसका सब क्लास क्या है ऐसा आपको पूछा जा सकता है। ट्रेडिशनल मेथड, नॉन कॉर्डेट्स वगैरह, ये है, ये ऐसा किंगडम वगैरह है, ये कहीं तो भी यहाँ ब्लैंक रखा जाएगा और ब्लैंक आपको फिल करने के लिए कहा जा सकता है। ओके, ये ऐसा एनिमल, ये जो फोटो है ये फोटो दी जाएगी और ये फोटो का क्लासिफिकेशन करने के लिए आपको कहा जाएगा, क्लासिफिकेशन। ये जो फिगर है, ये फिगर भी आ सकती है, लेकिन ये जनरली तो नहीं, समझो ये नहीं आएगी। ओके, ये ऐसा बॉडी कैविटी वगैरह क्या क्या है, क्योंकि आपका आपको खाली लिखने का लिखने की जरूरत, लिखना है दिमाग वहाँ इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। ये है, ये थोड़ा सा स्पेशली बना के रखो, ये चार्ट क्लासिफिकेशन का, ये भी ये डायग्राम्स, छोटे छोटे डायग्राम क्लासिफिकेशन के, ये कौन से क्लास में आता है, क्यों, ये जो फिगर है फिगर दी जाएगी और इसका क्लासिफिकेशन करो ऐसा कहा जाएगा आपको, यानी कि नाम देने के बजाय इसका क्लासिफिकेशन करो, ये कौन से क्लास में आता है इसका क्लासिफिकेशन करो, कौन से भी ये जो क्लासिफिकेशंस है, ये जो फोटोज है आप देख रहे हैं, फाइलम प्लैटिहेलमिंथीस है वगैरह वगैरह, फाइलम अस्कलमिंथीस है। जनरली अगर अस्कलमिंथीस स्पाइसेस के बारे में, बर्ड्स के बारे में, ह्यूमन के बारे में अक्सर पूछा जाता है, आर्थ्रोपोडा इसके ऊपर भी, वायरस के ऊपर अभी तो नहीं है क्योंकि
क्योंकि अभी रनिंग में कोरोना वायरस बहुत ही चल रहा है, ये भी पूछा जा सकता है। लेकिन वायरसेस नहीं है, क्योंकि अभी अभी आया है पेपर सेटिंग, एक इस दो एक डेढ़ में एक डेढ़ एक महीने पहले हुआ होता है। सी ककुम्बर वगैरह ये तीनों कौन से क्लास में आते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। हिमिकॉर्डेटा, ओके, ये उनान्स, सब फाइलम, हाँ ये फिशेस के बारे में, ओके, क्लास पाइसेस इसके ऊपर आपको पूछा जाएगा, एम्फीबिया के बारे में पूछा जाएगा, एव्स के बारे में पूछा जाएगा, मैमिलिया, ये देखो रनिंग में अगर थोड़ा सा जल्दी भी अगर हुआ है तो आपको बैट के बारे में पूछा जा सकता है, मैमिलिया बैट। चलो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, ये इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी के बारे में देखते हैं। सर इम्पॉर्टंट क्वेश्चन, अविनाश सिंह राउत, काही महत्त्वाचे पॉइंटचा व्हिडिओ मी अपलोड केलेला आहे, तो अपलोड केलेला व्हिडिओ आपण पाहू शकता इम्पॉर्टंट पॉईंटसाठी। चॅप्टर वाईज मार्क डिस्ट्रीब्युशन बताए ना सर, वेटेज ऑफ चॅप्टर प्लीज, एक ही व्हिडिओ में सब कुछ बता नहीं सकते। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप थोड़ा सा चैनल पे जाके आप देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे। विच इज मोस्टली अस्किंग फाइलम, अभी अभी बताया मैंने लास्ट के। उसके बाद देशमुख सर, एनिमल्सच्या डायग्राम मध्ये कोणत्या प्रकारचे प्रश्न येऊ शकतात, डायग्राम दिली जाईल आणि त्याचं क्लासिफिकेशन विचारलं जाईल। इंट्रोडक्शन टू मायक्रोबायोलॉजी, मायक्रोबायोलॉजी के ऊपर ये बीटी जो वराइटीज है, डेयरी प्रोडक्ट्स इसके ऊपर, बटर वगैरह चीज़ कौन सा भी एक के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ डायग्राम वगैरह कुछ नहीं दी जाएगी, यहाँ खाली एक्सप्लेनेशन के लिए पूछा जाएगा आपको, ओके। ये जो है एक कौन से किसमें क्या मिलता है, इसके ऊपर भी आपको पूछा जा सकता है। ये समझो कोको सीड्स है, ये आपका फ्रूट सीड्स ऑफ कॉफ़ी, कॉफ़ी के बारे में, इसके कॉफ़ी में कौन सा पार्ट मिलता है, माइक्रोबायल एंजाइम्स, ये चार्ट आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है। माइक्रोब्स एंड फ्यूल्स, ओके, ये आपको दिया जा सकता है, ये डायग्राम दी जा सकती है और इसके ऊपर आपको एक्सप्लेनेशन पूछा जाएगा, एक्सप्लेनेशन देने के लिए कहा जाएगा इसके ऊपर, बायोफ्यूल्स के ऊपर बड़ा क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है, ये डायग्राम ड्रॉ करने के लिए कहा जाएगा, नहीं तो डायग्राम है तो एक्सप्लेनेशन पूछा जाएगा, स्पेशल डायग्राम प्रिपेयर करो। ये क्लीन टेक्नोलॉजी, अभी अभी इसकी बहुत ज़रूरत है, क्लीन टेक्नोलॉजी इसके ऊपर क्वेश्चंस आएगा, क्लीन टेक्नोलॉजी के ऊपर क्वेश्चंस आ सकता है। माइक्रोब्स एंड फार्मिंग, ये अभी बहुत ज़रूरत है, माइक्रोबाइल इनोकुलेंट्स, ओके, ये रहा ये चैप्टर। बायो इन्फेक्टेंट्स इसके ऊपर, बायो बायो इंसेक्टिसाइड्स थोड़ा सा स्पेशली करके रखो इसका भी। नेक्स्ट 8 नंबर का चैप्टर हम देखते हैं इंपॉर्टेंट इसके, स्लोली ले रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा स्क्रॉल अगर मैं जल्दी करूं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। उसके बाद सेल बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बीटी वराइटीज वगैरह इसके ऊपर, साइटोलॉजी, ओके, स्टेम सेल्स तो जरूरत नहीं है, स्टेम सेल रिसर्च, यूजेस ऑफ इको, ये देखो इसके ऊपर आपको पूछा जा सकता है, स्टेम सेल्स, ऑर्गन एंड बॉडी डोनेशन, ओके, ऑर्गन एंड बॉडी डोनेशन के ऊपर थोड़ा सा स्पेशली करके रखो, इसके ऊपर पैराग्राफ भी दिया जा सकता है। बायोटेक्नोलॉजी इसके ऊपर, बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड द फॉलोइंग मेन,
एरियाज़, ओके, बेनिफिट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये भी पूछा जा सकता है। कमर्शियल अप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी, हाइब्रिड सीड्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, बीटी कॉटन, इसके ऊपर ये आप स्पेशली देखो, गोल्डन राइस वगैरह, एनिमल हस्बेंड्री, ह्यूमन हेल्थ, वैक्सीन एंड वैक्सीनेशन, ओके, इंजेक्ट वायरस इन प्लांट्स, ट्रीटमेंट वगैरह, ये थोड़ा सा स्पेशली पॉइंट करके रखो। ये जो है क्लोनिंग, अभी अभी इसके ऊपर बहुत ही डिस्कशन हो रहा था, क्लोनिंग के ऊपर, ओके। ये डॉली का जो है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक्सप्लेनेशन। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, ओके, ये जो है फूड बायोटेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल बाय एंड बायोटेक्नोलॉजी, यहाँ एक लास्ट डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, इंपॉर्टेंट स्टेज एग्रीकल्चरल, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा पॉइंट आपको करना पड़ेगा, ग्रीन रिवॉल्यूशन का, यानी कि इंपॉर्टेंट स्टेजेस इन एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, इसमें ग्रीन रिवॉल्यूशन है, वाइट रिवॉल्यूशन है, ब्लू रिवॉल्यूशन है, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड, ऑर्गेनिक, ये आगे का पार्ट आपको कंपलसरी करना पड़ेगा एपिकल्चर के बारे में, फ्रूट प्रोसेसिंग, ओके, ये थोड़ा सा लास्ट का पार्ट ये चैप्टर का आपको कंपलसरी करना पड़ेगा। रितेश कांबळे मराठी सर प्लीज, प्रतीक खोबरा गड़े मॉडर्न लैमफील्ड, कितने मार्क्स का पूछा जा सकता है सर? पेपर के बाद साइंस टू और आंसर की आप दोगे क्या? साइंस वन का तो दिया गया है, साइंस सेकंड का भी दिया जाएगा, फोर के, ओके, क्वेश्चन फोर के लिए कौन सा लेसन इंपॉर्टेंट है? रेखा जाधव, व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्पर्म? ओके, ये लास्ट जो चैप्टर है हमारा, सोशल हेल्थ, ओके, सोशल हेल्थ का जो फोटोज है देखो, एक एक्सीडेंट की फोटो है, एक्सीडेंट हुआ है और बच्चा, दूसरे लोग वहाँ फोटो निकाल रहे हैं, तो ये रहने चाहिए नहीं चाहिए, इसके ऊपर आपका डिस्क्रिप्शन पूछा जा सकता है। ये भी इसके ऊपर एडिक्शन, एडिक्शन के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये साइन का मीनिंग क्या है ये पूछा जाएगा, ये क्या है, ये औरत क्या कर रही है, आपका एक्सप्लेनेशन दो दीजिए, ऐसा भी कहा जा सकता है। ये अभी का, ये पुराने साल का, यानी कि कुछ दिनों पहले, कुछ साल पहले ऐसा था, बच्चा खेलने के लिए बाहर जाता था, उसे खींच के स्टडी करने के लिए घर में बुलाना पड़ता था, लेकिन अभी क्या है, मोबाइल गेम वगैरह टीवी, इसके वास्ते बच्चे खेलने के लिए बाहर नहीं जा रहे, तो इसकी मम्मी बाहर घूमने के लिए, खेलने के लिए इसे भेज रहे, फिर भी वो जाने के लिए तैयार नहीं है, ये भी आ सकती है डायग्राम, ओके, ये भी डायग्राम, बच्चा क्या कर रहा है, कहीं क्यों नहीं, ऐसा, ये डायग्राम्स ऐसे, इनमें से कौन से कम से एक ना दो पूछे जाए, कंपलसरी पूछी जाएगी इसके ऊपर डायग्राम, एक जो फोटोज है ये फोटोज आ ही सकते हैं, आ ही जाएंगे, ओके। साइबर क्राइम्स के बारे में भी क्वेश्चंस आपको आ सकता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए डायग्राम तो नहीं, डायग्राम भी आ सकती है और इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन भी पूछा जा सकता है। सेकंड पेपर तो बहुत इजी है, बहुत इजी क्वेश्चंस इसके ऊपर पूछे जा सकते हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह जो है, काउंसलिंग के बारे में, ओके। लास्ट जो हमारा चैप्टर है, ये चैप्टर में डाइजेस्टर मैनेजमेंट के बारे में है, ओके। इसके ऊपर जो कुछ फोटो है, आप क्या करोगे, आपका ओपिनियन पूछा जा सकता है डाइजेस्टर मैनेजमेंट में। समझो एक कुछ पैनिक कंडीशन वगैरह जनरेट हुई है, तो उस वक्त आप क्या करोगे? अगर पेपर थोड़ा सा लेटली प्रिंट हुआ है, तो कोरोना के बारे में भी पूछा जा सकता है, कोरोना वायरस के बारे में, कोरोना की अभी जो पूरे वर्ल्ड में जो सिचुएशन है, उसके बारे में आपकी राय पूछी जा सकती है। फेज ऑफ इमरजेंसी, ट्रांसलेशनल फेजेस, रिकंस्ट्रक्शन फेज,
वगैरह, ये फेजेस है, ये जो संकट अभी जो आए हैं इसके बारे में भी आपको पूछा जा सकता है। ये कहाँ की फोटो है और यहाँ क्या हुआ है, ऐसा आपको पूछा जा सकता है। डाइजेस्टर मैनेजमेंट, ओके, ये प्री डाइजेस्टर मैनेजमेंट, पोस्ट डाइजेस्टर मैनेजमेंट, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आ सकता है। राहुल होते मेड फ्रॉम पैनक्रियाज ऑफ हॉर्सेस, ओके। स्ट्रक्चर ऑफ डाइजेस्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये जो है फ्लो चार्ट, ये फ्लो चार्ट भी आपको करना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट डाइजेस्टर मैनेजमेंट, ओके। इंटरनेट इज माय फ्रेंड, ओके। ये ऐसा लोगो दिया जाएगा और लोगो के ऊपर आपको किसका है इसके बारे में पूछा जा सकता है। ये भी आपको डायग्राम दी जाएगी और इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन दीजिए, ऐसा कहा जा सकता है। यानी कि समझो ये डायग्राम है, ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है, तो आप इस कंडीशन में आप क्या करोगे, इस कंडीशन में आप क्या करोगे और इस कंडीशन में आप क्या करोगे, ऐसा आपको पूछा जा सकता है। ऑब्जेक्टिव्स, ओके। नेसेसरी मटेरियल इन दी एड बॉक्स, फर्स्ट एड बॉक्स, ओके। मॉक ड्रिल्स वगैरह क्या है, मॉक ड्रिल के इम्पोर्टेंस क्या है, इसके ऊपर पूछा जा सकता है। तो इस तरह से हमारा ये पेपर सेकंड का मोस्ट इम्पॉर्टेंट बीट, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कौन से पूछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, डायग्राम कौन से इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश की है। बहुत सारे बच्चे आज लाइव सेशन के लिए प्रेजेंट थे, बहुत सारे बच्चों ने आज लाइव सेशन अटेंड किया है। तो आप किताब में थोड़ा सा टिक मार करके, थोड़ा सा अंडरलाइन करके ये पूरे पॉइंट्स आप ले सकते हैं। इसके बाद एक बोलो, मराठी का कब लेना है, सुबह सुबह लेना है या अभी, आप बता सकते हैं, आपके ऊपर है। सुबह सुबह बोले तो कल सुबह 6 बजे भी ले सकता हूँ, 7 बजे भी ले सकता हूँ, 7 बजे तो नहीं हो सकता, तो 6 बजे लेना पड़ेगा, 6 से 7 लेना पड़ेगा, नहीं तो अभी 10:15 लेना पड़ेगा। बोलो टाइम कौन से टाइम को ले, सुबह चाहिए या अभी चाहिए, मराठी मीडियम का आप बता दीजिए। एमसीक्यू तो आ सकते हैं, एमसीक्यूज क्लासिफिकेशन के ऊपर भी आ सकते हैं। टाइम कौन सा, अभी जो मराठी मीडियम का कब लेना है, अभी 10:15 लेना है या सुबह सुबह लेना है। चला मराठी माध्यमाचा केव्हा घ्यायचं, आता घ्यायचं का सकाळी घ्यायचं, टाइम सांगा, चला सगळ्यांनी डिस्कस करा, सगळ्यांनी सांगा, कमेंट सांगा। ओमकार देशमुख अभी ले लो, ओके। दूसरा संतोष चव्हाण सुबह, शिप्रा दास 10:15, ठीक है, और चलो बोलो 10:15 लेना है, ठीक है। तो 10:15 के बाद एक आधा घंटा ले लेते हैं, प्रश्न बनवून दाखवा सर, सांगितलेत मित्र, आता सगळ्यांचे शक्य होणार नाही, तर सगळ्यांचे सांगितलेत मी, सगळ्यांचे प्रश्न सांगितलेले आहेत, कोण कसे कसे प्रश्न पडतात ते सांगितलेलं आहे। आता पुढं आपण मराठी मीडियममध्ये व्यवस्थितरित्या हे प्रश्न कसे पडतील त्यावर थोडंसं डिस्कशन करूया, थोडासा वेळ लागेल, 10:15 सुरुवात होईल, 11:15 आपलं एक्सप्लेनेशन चालेल, ओके। ओमकार देशमुख 10:15, ओके ठीक है। तो 10:15 को हम अगेन मिलते हैं, थोड़ा सा मैं एक पानी वगैरह पीता हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ, आता घ्या, आता लगेच शक्य नाही, थोडंसं मला भी रेस्ट पाहिजे, एवढं कंटिन्यू शक्य होत नाही मित्रा। 10:15 आ जाइए सब लोग, 10:15 को सब लोग लाइव आ जाइए। तो 10:15 को हम पूरा ये लाइव सेशन लेने वाले हैं मराठी मीडियम के लिए, ओके। मराठी मीडियम के लिए 11:15 आ जाइए, एक 10:10 को ले लो, ओके। मराठीमध्येच घेणार आहे, चॅप्टर वाईज पूर्ण सविस्तररित्या माहिती देणार आहे। 10:15, 10:10 मी लाईव्ह येणार आहे, तुम्ही 10 वाजल्यापासून, 10 मिनिटाच्या नंतर, इथून पुढे 10 ते 15 मिनिटाला आपण लाईव्ह येऊया, तर तो नोटिफिकेशन आल्याबरोबर तुम्ही सगळ्यांनी तयार राहायचंय, ओके। तर आपण आता इथे थांबूयात मित्रांनो, नेक्स्ट मराठी मीडियमसाठी लागलीच घेऊया आपण, मराठी मीडियमसाठी 10:10।